स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लेखन। 15 अगस्त हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो गया था। इस आजादी के पीछे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान की अहम भूमिका है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की निस्वार्थ देशभक्ति को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सभी देशवासियों द्वारा हर वर्ष देश की आजादी के दिन को याद कर बड़े ही सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को विद्यालयों, कॉलेजों, बैंक व कार्यालयों में फहराया जाता है। इसके साथ ही इस दिन विद्यालयों में बच्चों की निबंध व भाषण प्रतियोगिता आयोजित करवा कर उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके उपरांत प्रधानमंत्री लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे सैनिक और एनसीसी कैडेट परेड करते हैं। परेड और विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं तथा बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण तथा लाल किले पर किए जाने वाले सभी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाता है। इस भाषण को पूरा देश अपने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सुनता है। स्वतंत्रता दिवस लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करता है। यह लोगों को एकजुट करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि हम एक राष्ट्र हैं, जहाँ कई अलग अलग भाषाएं, धर्म और सांस्कृतिक मूल्य हैं। अनेकता में एकता भारत का प्रमुख सार तत्व और शक्ति है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं, जहां सत्ता आम आदमी के हाथ में है। हर साल 15 अगस्त को हम उस दिन को मनाते हैं जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जिसका अर्थ है कि हम खुद पर शासन करने के लिए स्वतंत्र थे और किसी और के द्वारा शासित नहीं थे। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो तथा स्वतंत्रता दिवस के विषय में अधिक जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को देखें। धन्यवाद।